नमस्कार, मैं सुधा चोपड़ा। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल का चीला, और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसको हम ब्रेकफास्ट के साथ और स्नैक्स के साथ भी खा सकते हैं। सब्सक्राइब करें जीएस रसोई चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। मूंग दाल चीला बनाने के लिए हमें सबसे पहले मूंग की धुली दाल ली है, इसको हमने ओवरनाइट भिगो दिया था, और थोड़ा सा हमने पोहा लिया है, इसको हमने थोड़ा सा गीला करके रख लिया है। और इसके साथ चाहिए हमें अदरक, हरी मिर्ची, नमक, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी, प्याज, टमाटर, धनिया पत्ती और पनीर। सबसे पहले हम इसके अंदर, मिक्सी के अंदर, हरी मिर्च, अदरक, ये मूंग दाल जो हमने भिगो के रखी थी, और पोहा जो हमने इसको भिगो के रखा था, पोहे को थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी डालेंगे। अब ये हमारी दाल जो है पिस चुकी है, इसको हम निकाल लेंगे। अब ये हमारा मिक्सर बनके तैयार हो गया है। इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक। मूंग दाल चीले के लिए जो हमें स्टफिंग तैयार करनी है, सबसे पहले हमने कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है, इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें लाल मिर्ची, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पत्ती, और इसके अंदर हमने पनीर को मैश कर लिया था, उसको ऐड कर लिया हमने इसके अंदर। ये हमारी जो है स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। मूंग दाल चीला बनाने के लिए सबसे पहले हम तवे को गर्म करेंगे, उसके ऊपर ऑयल डालेंगे, और उसके बाद हम उसके ऊपर थोड़ा सा पानी अब इसको हम तवे के ऊपर फैलाएंगे। जो मिक्सी करने के बीच में हमने इसको मिक्सी करी थी, इसके अंदर हमने जो डाला था पोहा, उससे क्या होता है इसके अंदर जो चीला है उसके अंदर इसकी क्रिस्पनेस अच्छी सी आ जाती है। देखो कितनी आसानी से ये निकल रहा है, इसको हम पलट देंगे थोड़ा सा, ऑयल लगाएंगे। अब हम इसके अंदर स्टफिंग को लगाएंगे, फोल्ड कर देंगे। आटा बनके तैयार हो गया। अब ये हमारा मूंग दाल का चीला बनके तैयार हो गया है। अगर ये आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक शेयर करें और जीएस रसोई चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।